सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद हमारा वीडियो आ रहा है जो कि इंस्टॉलेशन ऑफ क्रैश गार्ड है अपने डोमिनार पे। ये कंपनी का स्टॉक क्रैश गार्ड आता है जो कि ज़्यादा स्टर्डी नहीं है और गिरने पर बाइक को ज़्यादा नुकसान हो सकता है और इजीली बेंड भी हो जाता है। सो आप हम यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं, कंप्लीट प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने विंडशील्ड निकालने का कारण है कि यहाँ पे एक मोबाइल माउंट आने वाला है हमारा, क्योंकि मैंने खुद ने बनाए। अगर आपको चाहिए तो मैंने नीचे व्हाट्सअप नंबर डाला है जो कि आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये फॉग लैंप की क्लिप चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करना कर देते हैं। तो ये से जो नेटवर्क हमारा क्रैश गार्ड है, पिछले मॉडल रहते थे 2020 के, उसमें यहाँ से ब्रेक हो जाता था चलती गाड़ी में, और यहाँ पे आधा टूट जाता था अंदर के लिए। तो फिलहाल हमने क्रैश गार्ड निकाला है और क्रैश गार्ड की साइड के दो बोल्ट रहते हैं वो भी निकाले हैं, ये सेंटर का भी निकाला है, नीचे का भी निकाला। और जब हम गाड़ी अच्छे तरीके से धोते नहीं तो ऐसा हो जाता है और यहाँ पे रस्टिंग चालू थी, इसलिए गाड़ी अच्छी धोनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं किया। क्रैश गार्ड कुछ ऐसा आता है जो कि मैंने मुंबई से मंगवाया था सह्याद्री से, और ये पैर में आता है। स्लाइडर आपके साथ में नहीं आते, स्लाइडर अलग से आते हैं, मतलब साथ में आते हैं लेकिन इक्विप नहीं रहते। दोनों स्लाइडर एक क्रैश गार्ड पे आते हैं जो फिट करने पर आपको कुछ ऐसा इधर फिट हो जाएगा, क्योंकि अपने स्टॉक क्रैश गार्ड है उसी के असेंबली पे आते हो, बाइक के लिए डायरेक्टली फिट रहते हो। सो नीचे से कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने को। अच्छा प्रोटेक्शन देगा बाइक को ही डबल स्लाइडर की वजह से। और यहाँ पे हमारे पास ये 12mm का स्पैनर है जो कि डायरेक्टली फिट हो जाएगा अपने स्टॉक नट पे। आपको रिकमेंडेशन होगी कि आप यही स्पैनर यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आपने वो रेगुलर स्पैनर यूज़ किया तो देर इज़ अ चांसेस ऑफ अ स्लिप ऑफ अ नट। सो आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ दिस काइंड ऑफ अ स्पैनर। एंड सो यहाँ पर मैंने कैमरा साइड को रख दिया है ऑन और टाइम लैप्स मोड अपनी चालू है, तब तक मैं एक क्रैश गार्ड फिट कर लेता हूँ। और मुझे ये क्रैश गार्ड समथिंग 4200 को मिल गया था, और मैंने कॉम्बो लिया था, उसके साथ मैंने फ्रंट नंबर होल्डर भी लिया था जो कि नंबर प्लेट होल्डर रहता है, और उससे गाड़ी का लुक भी अच्छा आता है और नंबर प्लेट को एक पोजीशन भी मिल जाती है अच्छी थी। सो मुझे कॉम्बो में समथिंग 4600 को मिल गया था जो कि मैंने डायरेक्टली मुंबई से लिया था। और क्रैश गार्ड यूज़ करने का एक फ़ायदा आपको है, गाड़ी गिरने पर आपको गाड़ी को कुछ नुकसान नहीं हो जाता और गाड़ी अच्छे से एडवेंचर टाइप बल्कि भी ले जाती है। सो इंस्टॉल होने के बाद बाइक कुछ अपनी ऐसी दिख रही है, स्लाइडर मेरे बाकी है और साइड को कुछ बल्कि दिख रही है सब कुछ। और ये जो मुझे अच्छा लगा, ये ओवरऑल स्लाइडर आने के बाद भी अच्छा लगेगा, ये स्लाइडर कुछ ऐसे आ जाएंगे अपने। ओके, ये ऊपर और एक अब कनेक्टिंग रॉड मेरा इंस्टॉल होने से बाकी है, वो मैं बाद में इंस्टॉल कर लूँगा जो कि दोनों को कनेक्ट कर देता है। ओके गाइस, यहाँ पे ऑल सेटअप हो चुका है, मैंने लाइट भी लगा दी है और बाइक कुछ ऐसे दिख रही है, ऊपर से मैंने नंबर प्लेट होल्डर भी लगा दिया है। मेरे फॉग लाइट को इंस्टॉल करने के लिए अच्छी जगह मिली और स्लाइडर यहाँ पे आ गए दो, मैं इस पर रिफ्लेक्टर कुछ लगा दूंगा। लाइट का थ्रो भी मुझे अच्छा लगा। ओके, ये बीक अच्छी दिख रही है आगे। एंड ओके गाइस, आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय।